देख रहे हैं टीवी न्यूज मलपुरा आगरा। हम आपके साथ सच के साथ, अब नहीं छुपेगा कोई अपराध। आस्था और विश्वास का देश है हमारा भारत। यहाँ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी अपनी आस्था ईश्वर पर है। हमारे देश को यदि चमत्कारों का देश कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। देश के कोने कोने में चमत्कारी देवी देवता विराजित हैं। हमारे पौराणिक मंदिर मौजूद हैं जिनका एक अलग इतिहास है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी देवी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आगरा शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर आगरा ग्वालियर हाईवे पर इटौरा में स्थित है। इटौरा वाली मैया की खासियत है, यहाँ हर साल चैत्र नवरात्र के दौरान सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी चमत्कार के कारण यहाँ लाखों लोग देवी माँ के प्रति अपनी अपार श्रद्धा रखते हुए मंदिर पर नेजा व घंटा चढ़ाते हैं। लोग अपनी श्रद्धा और अपार विश्वास में उन्हें पूजते हैं। यहाँ के बुजुर्गों की माने तो इटौरा देवी को लोग 200 सालों से भी पहले से पूजते आ रहे हैं। देवी मंदिर से लगभग 500 किलोमीटर दूर कबूलपुर गाँव है, जहाँ राजा कड़िया का महल है, जिसको पहले माड़ो कहा जाता था, आज वह खंडर में तब्दील हो गया है। राजा कड़िया के अलावा आला उदल सहित तमाम राजनेताओं ने भी देवी मैया के दर्शन करने से विजय प्राप्त की है। इस प्रकार हम आपको बता दें कि हमारा अजब गजब भारत यहाँ हर कदम पर रोमांचक और इतिहास है। यह चमत्कारों का देश इसीलिए कहा जाता है। पंडित जी, आप लोग यहाँ कितने दिन से मैया की सेवा में लगे हुए हैं? आप ही तरह से। अच्छा, आप आपके नाम क्या है पंडित जी दोनों? अच्छा पंडित जी, यहाँ मेला कब लगने वाला है? 24, 25, 26।
अच्छा इसके विषय में कुछ बताओगे, क्या मान्यता है मैया की, क्या मान्यता है? जो करौली ज्यादा है पिटौरा की पूजा करता है। अच्छा यहाँ पे भक्तों का कब से वो लगा रहता है? परिवार से ही लगता है, पूरी नौदा भी लगता है। अच्छा नवरात्रि में प्रवासी लेकर नौ दुर्गा तक रहते हैं। हाँ जी आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं भाई साहब? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है। अच्छा यहाँ जो अभी जो इटौरा में मेला लगने वाला है वो कब लगेगा? ये हमारा जो मेला है वैसे तो नौ दुर्गा स्टार्ट होती है तो भक्त आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेला जो मेन है वो दो दिन का है, वैसे अब तीन दिन लगने लगा है, ये 24, 25, 26 का है। अच्छा इस मैया के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओगे, क्या कहना है आपके बुजुर्गों ने, क्या सब बताया है अब तक आप लोगों को? बताया ये है कि यहाँ पर पहले ये बाण गंगा थी जो अब अलोप हो चुकी है। यहाँ पर तीनों देवियाँ आई थी, पहले महाकाली, सरस्वती मैया और लक्ष्मी मैया, तो यहाँ पर भटकती हुई आई थी तीनों देवों को ढूंढने के लिए। जब सब माता अनुसुईया ने ये तीनों जो देव बालक रूप बना दिया था तो उनको देखती हुई यहाँ आई थी अग्रमन में, ये अग्रमन के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। अच्छा ये बताओ मैया के बारे में मान्यता क्या है? मैया के मान्यता के बारे में ये है कि यहाँ जो भी भक्त मन से आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप मैया के बारे में मान्यता क्या है? ऐसा है कि ऐसी हमने सुन रखा है अपने बुजुर्गों से कि जो भी करौली मैया के दर्शन करने जाता है जी, वो इस मैया के दर्शन करेगा तभी उस। हाँ जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभुदयाल शर्मा, मैं कैला देवी मंदिर ट्रस्ट का मंत्री हूँ और इसी बार इस मंत्री में नए कमेटी का गठन हुआ है। यहाँ हर वर्ष की बात सप्तमी अष्टमी और नवमी को मेला लगता है और मेले में सब जितने यात्री हैं उनको सुविधाओं के लिए पुलिस की व्यवस्था भी होती है और सफाई की व्यवस्था होती है, पूरी तरह से यहाँ उनके लिए रहने का स्थान दिया जाता है और मेले में लाखों यात्री इधर उधर से आते हैं, आगरा से आते हैं और दूसरे अन्य जिलों के यात्री बहुत आते हैं। अच्छा अच्छा इस बार मेला कब लगेगा? इस बार मेला यहाँ पे 24, 25, 26 मार्च को लगेगा। अच्छा 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 कितने लोगों के यहाँ आने की संभावना है? यहाँ कम से कम लाखों आदमी, मतलब 5-6 लाख तो लोग आदमी आते, दर्शनार्थी आते आते हैं तीनों दिन। ठीक ठीक मैं आप आगरा ग्वालियर रोड के इटौरा देवी मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं। ये इटौरा देवी मंदिर के साथ साथ मंदिर प्रांगण में इस समय यहाँ हनुमान की 23 फुट की प्रतिमा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसके बराबर पर ये देखिए एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बना हुआ है जिसमें यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर के साथ साथ बराबर पे एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है जिसमें हम लोग शिव जी के दर्शन करने के साथ साथ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये देखिए शिव शंकर की मूर्ति लोगों को अपनी आकर्षित कर रही है। ये देखिए इटौरा मैया के दर्शन के लिए यहाँ पर हजारों श्रद्धालु मंदिर पर प्रतिवर्ष आते हैं। इस वर्ष भी यहाँ पर सप्तमी अष्टमी नवमी को एक विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लाखों श्रद्धालु मैया के दर्शनों के लिए आते हैं। मैया के मान्यता ये है कि जो भी करौली जाता है वो मैया के दर्शनों के लिए इटौरा अवश्य आता है। इसके साथ साथ ये देवी मैया के दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ आला उदल से लेकर राजा कड़िया ने भी विजय मैया की भक्ति से विजय प्राप्त की है। और यहाँ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर एक कपूरपुर गाँव है जहाँ राजा कड़िया का महल हुआ करता था। आज आप मैया के प्रांगण में देख रहे हैं कि नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके साथ साथ आप मैया के दरबार में बराबर पर मैया के प्रांगण के अंदर हनुमान जी एवं शिव जी की मूर्ति भी लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी लोग श्रद्धालु आते हैं और मैया के दर्शन करते हैं। इस यहाँ पर लाखों प्रांगण में देखिए लाखों की संख्या में मेले का।
शहर।